जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में दो और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा ने कौशाम्बी और कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सपा ने कौशाम्बी सीट से पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया है और कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू को अपना प्रत्याशी बनाया है। पुष्पेंद्र सरोज बीएसपी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कौशाम्बी सीट से विनोद सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुशीनगर सीट से भी मौजूदा सांसद विजय दुबे को टिकट दिया है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ लड़ रही समाजवादी पार्टी यूपी की 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं। सपा ने अब तक यूपी में 50 से ज़्यादा उम्मीदवार उतारे हैं और 8 सीटों पर प्रत्याशी भी बदले हैं। इसके साथ ही यूपी में समाजवादी पार्टी को आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिल गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके प्रत्याशियों को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। कल शुक्रवार को लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सपा कार्यालय पहुंचे और संजय सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। संजय सिंह ने कहा कि जब हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाला गया तो सपा ने हमारा साथ दिया। इस लड़ाई में सपा और अखिलेश जी के हम लोग आभारी हैं। संजय सिंह ने कहा कि सपा के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जुटेंगे। आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी सपा के लिए काम करेंगे। संजय सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि इस समर्थन के पीछे कोई शर्त नहीं है, कोई मांग नहीं है। भारत के संविधान को बचाने के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। और उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया और समाजवादी पार्टी का साथ देने का वादा किया। थैंक यू।